अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे अगर सम नंबर 8 की हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इफ़ वाई इज इक्वल टू 3x-9/2 मेक एक्स दिस सब्जेक्ट। कि एक इक्वेशन है, एक कंडीशन लिखी हुई है कि वाई जो है वो किसके इक्वल है, 3x-9/2 के, ठीक है। लेकिन हमने अब करना क्या है, मेक एक्स दी सब्जेक्ट, कि एक्स को हमने सब्जेक्ट बनाना है। अगर हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वाई है, लेकिन हमने सब्जेक्ट किसे बनाना है, हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्स के साथ अगर हम देखें तो 3 भी लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, और साथ हम देखें तो -9 भी लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में 2 भी लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हमने किसी भी तरह से यहाँ पे एक्स को अकेला करना है, ठीक है। जब अकेला हो जाएगा देन वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और सेकेंड हाफ क्या है इस क्वेश्चन का, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमने एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। एक्स को हमने सब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या था, वाई इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है वाई इज इक्वल टू 3x-9/2, एक हमारे पास वाई गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ है इस क्वेश्चन का, कि मेक एक्स दी सब्जेक्ट, हम एक्स को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह से बनेगा, 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y = 3x-9। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें तो x रिक्वायर्ड है, विच मीन्स कि हम x को मज़ीद अकेला करते हैं। मज़ीद अकेला जब करेंगे तो ये जो -9 लिखा हुआ है ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +9 में। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x। लेकिन अभी भी x जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं बना, x हमारा सब्जेक्ट तब बनेगा जब x बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2y+9/3। या हम अगर इसको अरेंज करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y+9/3। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें जिसे हमने सोल्व किया है, तो x बिल्कुल एक साइड पे है और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे वो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ भी है, वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे है। अब जब x अकेला हो गया है तो इट मीन्स कि अब x का होल्ड हो गया है, x क्या है अब वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है। जब x जो है वो सेपरेट हो गया तो हमने यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख ली कि x इज सेपरेटेड, कि x जो है वो सेपरेट हो गया, सो x बिकम्स द सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड हाफ था वो क्या था, कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट भी करना है, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, हमें y की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। तो y की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, विच y = 3। तो सिंपली हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। y की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, अब जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, जो y की वैल्यू है 3 आ जाएगी, 2 है, y की जगह पे 3 आ जाएगा, +9/3। अब 2 × 3 क्या होता है, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6+9/ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब अगर 6 में हम 9 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15, और 15 को नीचे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 डिनोमिनेटर है, विच मीन्स नीचे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 1 3 3 5 15 दोनों की कटिंग होगी, तो x क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, जो हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड हाफ था। हमने सब्जेक्ट भी बना लिया x को और x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। माई डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डोमेन वाइज या चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को 1x1 सॉल्व करके उसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप काइंडली प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा एक्सरसाइजेज को फाइंड आउट करना। थैंक यू।